हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपी के अंदर लेटर राइटिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ एसपी के लेटर्स को किस तरीके से मगअप करना है, किस तरीके से बाहर करना है, या ऐसी कोई ट्रिक है क्या जिसमें हम एक ही फॉर्मेट को फॉलो करके एसपी के मेजॉरिटी लेटर्स को लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसपी की ऐसे लेटर राइटिंग की ट्रिक जिसको मैंने खुद मेरे एग्जाम में फॉलो किया था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आज से 13 साल पहले था। तो ये सारे ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और आपके पेपर में टोटल 15 मार्क के लेटर्स होता है जिसमें से आपको 10 मार्क का लेटर अटेम्प्ट करना होता है, हर लेटर 5 मार्क का होगा। और ये ट्रिक होगी वो तकरीबन आपको 3 मार्क तो दिला ही सकती है और 2 मार्क का थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना है और आपको यहाँ पर उस लेटर में तकरीबन 4-4.5 मार्क्स आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो आपको 5 में 5 भी मिल सकता है एसपी में। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। किसी भी तरीके के लेटर राइटिंग को करते समय सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है सर, सबसे पहले हमें उसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। उस बॉक्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना जरा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता पहले आप लोगों की सहूलियत के लिए। एक बॉक्स हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। जो बॉक्स होगा ना सर, ये बॉक्स समझ लो इस तरीके का बॉक्स होगा, इसको आप लंबा बोला या तो हम लोग इसको लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स को मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ये जो फर्स्ट मार्जिन होगी ना सर, ये जो फर्स्ट मार्जिन आपको दिख रही है, ये आपका जो लास्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन है उससे आप ड्रॉ करोगे, और जो राइट साइड का मार्जिन होगा ना वो आपके पेपर ख़त्म होने से पहले एक छोटा सा मार्जिन आ जाएगा। ऊपर की लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दे, नीचे की लाइन आपका लेटर ख़त्म होने के बाद आपको ड्रॉ करना है। तो आपको लेटर राइटिंग करते समय बॉक्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई है। अब लेटर राइटिंग करते समय हमको किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। तो माय डियर, सबसे पहले किसी भी तरीके के लेटर राइटिंग को करते समय टॉप पर आपको कंपनी का नाम लिखना है। सर क्या लिखना है? कंपनी का नाम लिखना है। सर कंपनी का नाम लिखते समय हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं? तो माय डियर, कंपनी का नाम लिखते समय आप कंपनी का नाम इमेजिनरी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कंपनी के नाम को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कंपनी का नाम ले लेता हूँ रिलायंस इंडिया लिमिटेड। सर हमारे टीचर ने कहा था कि सर इसको कैपिटल लेटर में लिखना, तो अगर आपको लगता है कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए तो आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो दिखने में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लेटर लिखते समय अपने जो कंपनी का नाम होगा उसको क्या करोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे, रिलायबल या रिलायंस जो भी आपका है कंपनी लिमिटेड, इस तरीके का मैंने कंपनी का क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। अब ये नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का एक एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस एक इमेजिनरी एड्रेस हो सकता है। यस सर, तो जैसे मैं एक एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस --, मान लो मैंने एक यहाँ पर लिख दिया सर नरीमन पॉइंट मुंबई। आपने एक एड्रेस लिख दिया नरीमन पॉइंट मुंबई का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है CIN नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखते समय आपको यहाँ पर पहले कोई भी अल्फा न्यूमेरिकल, तो मैं यहाँ पर L लिखता हूँ क्योंकि पेपर लिखते समय आपको यहाँ पर इसकी याद आ जाती है, लव, लॉट्स ऑफ लव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको 5 डिजिट का यहाँ पर लिखना है नंबर, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। MH महाराष्ट्र से बिलोंग होगा, गुजरात DJ होगा, MP आंध्र प्रदेश जो भी आपको लिखना है वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक ईयर आप लोग लिख दो। सर ईयर मतलब कोई भी ईयर हो सकता है आपका, तो मान लो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद कंपनी का टाइप आपको यहाँ पर लिखना है, तो मान लो मैंने IPL लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर। अब यहाँ पर लिखते समय आपको ये क्या याद रखना है, ये अल्फा न्यूमेरिकल है। यस सर, 1 2 3 4 5 नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखते समय नोट डाउन करके रखनी है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की बात करने वाले हैं कि सर यहाँ पर क्या साइड में क्या करना है। सर बहुत ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि सर साइड में क्या लिखना है। तो बेटा सर लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर लिखना होता है कि अपना फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर अगर हम फ़ोन नंबर की बातें करते हैं तो सर यहाँ पर आप क्या नंबर लिखना पसंद करोगे? तो बेटा 022 तो मुंबई का कोड हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपको मन करता है वो नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद सर यहाँ पर फैक्स नंबर की अगर हम बातें करते हैं तो सर क्या लिखेंगे, तो सर ये फैक्स नंबर भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको आएगा रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या करना, कंपनी का जो इनिशियल्स है रिलायंस रिलायबल कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जो भी है उसके आगे आप कोई भी नंबर डाल देना, जैसे 007 ऐसा डाल देना, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का फॉर्मेट हो गया। आप राइट साइड के फॉर्मेट की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आप कंपनी का वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं। सर वेबसाइट पर कैसे मेंशन करना, www.reliablecompanylimited.com ऐसा एक वेबसाइट बना देना खुद का, यस सर। उसके बाद जीमेल यहाँ पर आप मेंशन कर देना। जीमेल कैसे मेंशन करना सर, वही कैसा reliable@gmail.com। आप मेरी भावनाएं को समझ जाना, जो मैं बताना चाहता हूँ उसको समझना, स्पेलिंग को इग्नोर करना। फिर डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी, डेट जिस दिन, जैसे कल आप पेपर लिखोगे तो कल का डेट यहाँ पर आप लोग डाल देना। जैसे यहाँ पर 11 मार्च 2022, क्लियर। अब यहाँ पर अगर एग्जामिनर मार्क्स देना चाहेगा तो आधा मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आधा मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आधा मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सर क्या लिखना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना है अपने डिपॉजिट होल्डर का नाम, डिबेंचर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर का नाम वगैरह वगैरह का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है। यू शुड नॉट रिवील योर आइडेंटिटी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा रामगढ़ मुंबई, आप यहाँ पर 2-3 लाइन में अपना कोई भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, डजंट मैटर। मैं यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके बारे में आप लोग थोड़ा दिक्कत नहीं रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एड्रेस वगैरह मेंशन कर देना। फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा सर, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मतलब क्या, आप यहाँ पर लेटर क्यों लिख रहे हो उस चीज़ को आपको यहाँ पर क्या करना है सर, मेंशन कर देना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एग्जामिनर चेक करेगा तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलाकर कहीं ना कहीं आधा मार्क दे देने वाला है, यस सर। इतनी बातें समझ में आ गई है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो सर यहाँ पर अब आपको यहाँ पर डियर करके लिखना है। सर डियर की जगह पर अगर मैंने सिर्फ सर मैडम लिखा तो चलेगा क्या, यस सर लिखा तो भी चलेगा, आपने यहाँ पर मैडम मेंशन किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मेंशन ज़रूर करनी है ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। अब यहाँ पर आपको पहला पैराग्राफ क्या लिखना है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्या होगा पहला पैराग्राफ। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखने जाने वाले हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पर आपके लिए कॉमन पैराग्राफ की मैं स्ट्रक्चर बन रहा हूँ। पहला पैराग्राफ आपके लिए हर लेटर में आप कॉमन लिख सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट Our board meeting was held on। अब यहाँ पर आपको एक तारीख डालनी है, जिस दिन आपने लेटर लिखा उसके पहले की तारीख आएगी, held on। Regarding, अब किस regarding में है, तो भाई साहब जो subject रहेगा उसी के regarding में रहेगी, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर mention करनी है subject के हिसाब से, ठीक है। आई एम डायरेक्टेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट आर बोर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन तारीख रिगार्डिंग सो एंड सो डी, ठीक है। पासिंग ऑर्डनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन आपके ऊपर डिपेंड है क्या लिखना है, तो यहाँ पर मैं ऑर्डनरी रिजोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी है। अब द डिटेल्स ऑफ, अब किसके बारे में डिटेल्स है, तो डिटेल्स ऑफ सो एंड सो आर एक्सप्लेन एज बिलो, यानी आपको जो भी डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं।
अब ये कंटेंट आपको लिखने पर कहीं ना कहीं आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, इसलिए आपको यहाँ पर 1 मार्क देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको नीचे इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको एक टेबल ड्रॉ करना होता है। ये टेबल आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपको ये टेबल की प्रैक्टिस करके लेनी है, ठीक है। अगर आपने ये टेबल नहीं बनाया तो भी आपको 2 से 2.5 मार्क तो मिल जाएंगे, लेकिन एडवाइस ये रहेगा कि टेबल आप बनाओ, आप ये टेबल को बना ड्रॉ करो। जैसे मैंने अभी बताया ना, 7, 8, 10 लेटर जो भी आपको दिए हैं टेक्स्ट बुक में, वो सबके स्टार्टिंग के पैराग्राफ आप सब कॉमन रखने की कोशिश करो, और सी ये टेबल बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स मिल जाने वाले हैं। अब जैसे ये टेबल वाला पार्ट आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मार्क और मिल जाएगा इस टेबल को देखकर, ठीक है। टेबल को देखकर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क आपको और मिल जाने वाले हैं। अब लास्ट का जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो माय डियर, ये कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मान लो यहाँ पे क्या लिखना है, इन केस यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आपको और किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और या जो चीज़ें हमने टेबल में एक्सप्लेन की है उसके रिगार्डिंग में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ अस, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ अस, आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इट शैल बी, हमारे खुशनसीबी होगी, वी शैल ऑलवेज बी। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर थैंकिंग यू लिख देना है। थैंकिंग यू लिखने से आपके मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, और बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको योर्स फेथफुली सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर का नाम लिखना है, SD, जब SD की लिखते हैं तो SD का मतलब होता है सिग्नेचर, ठीक है, ऑफ सेक्रेटरी। एंड यहाँ पर किसी का भी नाम यहाँ पर मेंशन करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का लास्ट में नाम आ जाएगा, एंड इस पर आपको 1 मार्क देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया सर, यहाँ पर हमने कंपनी का नाम लिखकर, यहाँ पर कंपनी का एड्रेस और कंपनी का CIN नंबर लिखकर, आधार नंबर लेफ्ट और राइट साइड के हिसाब से 1.5, और यहाँ पर एक आधार मार्क आपको सब्जेक्ट को मिलाकर मिल जाने वाला है। फिर बीच के कंटेंट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो सर मैडम और इसका पहला पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा। टेबल वाली चीज़ें आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको अगर जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेबल भी ज़्यादा हार्ड लगने वाला नहीं है। उसके लास्ट के पैराग्राफ और जो लास्ट का कंक्लूजन वाला पार्ट रहता है उस पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरीके से आप कितना भी कैसा भी लेटर आएगा आप 3 से लेकर 4 मार्क तो ईजिली अचीव कर ही सकते हो। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि आपको लेटर राइटिंग अगर भी अपने मगअप नहीं भी किया है, कुछ भी नहीं किया, तो इससे आपके मार्क्स बूस्ट होने ही वाले हैं, इसकी अश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की हुई है, जाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।